दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 का फिनाले नजदीक है, मुश्किल से 8 से 9 दिन बाकी रह चुके हैं इस सीजन के फिनाले के, जहां आखिरकार इस फिनाले का आ जाएगा रिजल्ट और जानने को मिलेगा कि कौन है बिग बॉस सीजन 13 का विनर। जीतने को यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम और रश्मि से ही कोई जीतने वाला है, लेकिन देखा जाए तो जीत हर किसी की ही हो चुकी है, क्योंकि सभी ने लगभग 4 से 4.5 महीनों का सफर तय किया है और हर कोई खूब प्यार बटोरता हुआ अपने फैंस से नजर आ रहा है। बिग बॉस सीजन 13 कई तरह की कंट्रोवर्सी, कई तरह के उतार चढ़ाव से भरा रहा, जहां दुश्मनी, प्यार, दोस्ती, हर एक चीज की यहां पर तादाद में कंट्रोवर्सी देखने को मिली और एंटरटेनमेंट भरपूर नजर आया। जिस बीच यहां पर कई तरह के उतार चढ़ाव बिग बॉस सीजन 13 में लगातार बनते रहे हैं, तो एक चीज हमेशा ही कायम रही और वो है पारस माहिरा की दोस्ती, जो इस शो के पहले हफ्ते से चलती आ रही है, दूसरे हफ्ते से मजबूत बनी हुई है और आज के वक्त में भी ये जोड़ी बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई देखी जाती है। लेकिन इस बीच इन दोनों का प्यार भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। आपको भी अगर इन दोनों की दोस्ती में प्यार नजर आता है तो कमेंट करके जरूर बताएगा, और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि इस दोस्ती में प्यार का सबूत आज हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल ये बात है जनवरी के महीने की शुरुआत की, जब एक फुटेज सामने आई थी बिग बॉस सीजन 13 की, और आज के वक्त में ये फुटेज फिर से वायरल होने लगी है, ये खबर फिर से सामने आने लगी है, जिसमें माहिरा शर्मा के लव बाइट की बात की जा रही है। जी हाँ, माहिरा शर्मा के लव बाइट की। अब भाई बिग बॉस सीजन 13 में ये सितंबर के एंड से है, तो आखिर इस शो के दौरान इन्हें लव बाइट देने वाला शख्स कौन निकला? भाई पारस छाबड़ा। देखने को मिला है इस फुटेज में कि माहिरा शर्मा आकर बैठती है सिद्धार्थ शुक्ला के करीब लिविंग एरिया में, जहां पर सिद्धार्थ की नजर उनकी नेक पर पहुंच जाती है। वो उनके बाल हटाकर देखते हैं कि ये तो लव बाइट है। सिद्धार्थ उनसे क्वेश्चन भी करते हैं और यहाँ माहिरा उन्हें जवाब देती है कि नहीं यार, ये कोई लव बाइट नहीं है, मुझे कोई स्किन इन्फेक्शन हो चुका है, शायद उसका कोई निशान होगा। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ शुक्ला भी पीछे हटे नहीं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने साफ तौर पर कह दिया कि स्किन इन्फेक्शन इस तरह का तो नहीं होता है, और सिर्फ एक ही जगह पे तो ऐसा नहीं होगा जिसका निशान पूरी तरह से लव बाइट का दिखे। भाई बता दो अब हमको भी कि कौन है वो शख्स। यहाँ पर पारस छाबड़ा भी इस बात को लेकर टांग खींचते हुए माहिरा शर्मा की नजर आए, जहां वो कहते हुए नजर आए, ओ माय गॉड, अगर सानिया को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। सानिया यानी कि माहिरा शर्मा की मां, जिन्हें घर वाले और माहिरा खुद भी सानिया कहकर बुलाती है। ऐसे में सानिया का नाम लेते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने भी माहिरा की खूब टांग खींची और कहते हुए नजर आए कि देख लो सानिया, तुम्हारी बेटी यहाँ क्या गुल खिला रही है, अब हमें मत बोलना इस बारे में कि इसको संभाल लो। यहाँ सानिया शर्मा का नाम लेते हुए सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा खूब टांग खिंचाई कर रहे थे जहाँ माहिरा शर्मा की, तो माहिरा के पास भी कुछ बोलने को बचा ही नहीं। लेकिन जिस हिसाब से इस फुटेज को देखने को यहाँ पर मिला है, इस फुटेज को इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में माहिरा शर्मा की वो लव बाइट थी, नेक पर उनका ये निशान लव बाइट का निशान था या स्किन इन्फेक्शन का, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वेल, देखने को मिलती है जहां माहिरा शर्मा और पारस छाबड़ा के बीच में घर के अंदर कई नजदीकियां, कई इन दोनों के बीच में हग किसेस नजर आते ही रहते हैं, उसमें ये देखना वाकई में बनता है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या वाकई में खिचड़ी पक रही है। भला आप सभी का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।